से हो आप सब। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज का इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका मशीन का बैटरी ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपका मशीन का जैसे आपका मशीन का बैटरी चार्ज नहीं हो पाता सही से, चार्ज होने के बाद भी आपका बैटरी जो होता है, मशीन का जो बैटरी जो होता है सही ढंग से वर्क नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाता है इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस सबसे पहले बताना मैं ये चाहूँगा कि बैटरी में जो, जिसे आप एसिड बोलते हो, जो पानी भी बोल सकते हो उसे, जो उसमें कितना लेवल रहना चाहिए, पानी कम वजह से भी आपका बैटरी सही से चार्ज नहीं हो पाता है। जैसे बैटरी में जो एसिड जो नहीं रहता है, जो एसिड जो आता है 1250 का, वो नहीं रहता है सही से, तो उसकी वजह से भी आपका बैटरी जो होता है जो चार्ज नहीं उठा पाता है। तो इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि कितना लेवल में उसका पानी रहना चाहिए और क्या क्या प्रोसेस है बैटरी का, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो मैं फिर से बता दूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा ज़्यादा कीजिए, ताकि प्रत्येक नए ऑपरेटर तक वो वीडियो जाए जिसको नहीं है पता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आप देख सकते हो यहाँ से आपको ये जो बर्नर जो होता है इसे खोलना पड़ेगा, ये जो जाली जो है इसे खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैटरी के पास लेके चल रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये लॉक दिया हुआ है जाली खोलने का, तो यहाँ पे आपको चाबी लगा करके लॉक को खोल देना है। आप देख सकते हो इसे हम खोल दिए और आप ये देख सकते हो गाइज यहाँ पर बैटरी है, ये है बैटरी पूरा। और आपको मैं बता दूँ गाइज यहाँ पे आपको हरा सिग्नल दिखाई देता होगा, गाइज आप देख सकते हो हरा हरा जल रहा है यहाँ पे, यही है बैटरी का सिग्नल। अगर सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आपका इंडिकेटर लाइट लाल लाइट का संकेत दे तो एक सिक्के की मदद से सर्विस प्लग को खोले और इसमें शुद्ध डिजिटल वाटर दे, डिजिटल वाटर डाल दे। तो गाइज इसको मैं बता दूं गाइस, जब आपका बैटरी में जब पानी जो यहाँ से जो दिया जाता है, एसिड भी बोल सकते हो और पानी भी बोल सकते हो, जो यहाँ से जो डाला जाता है, इस छः रहता है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 है। अगर आपका मशीन में अगर वाटर अगर कम हो जाएगा वाटर लेवल, तो यहाँ पे जो हरा सिग्नल जो दिखाई दे रहा है ये रेड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर आपका मशीन में अगर रेड लाइट का संकेत दे रहा है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सिक्के की मदद से आपको इसको खोल देना है। देख सकते हो ये सिक्का है, इसको यहाँ से खोलना है, ऐसे इसको खोल देना है गाइस, देख सकते हो इसको ऐसे खोल देना है, देख सकते हो इसको यहाँ से खोलना है और लेवल इसका चेक करना। तो देख सकते हो मैं कल ही इसमें डाला था एसिड, तो इसमें आपको खोल करके यहाँ पे इसमें आपको डाल देना है। तो गाइज इसको डालने के बाद आपको जैसे ही सब में पानी डाल दोगे, जैसे ही आप जितना भी मतलब 6 है एसिड डालने वाला, जो वाटर डालने वाला 6 में अगर डाल दोगे, तो आपको ये जो यहाँ पे जो रेड सिग्नल जो देगा वो आपको वाइट सिग्नल देने लगेगा। जैसे ही आप पानी डाल दोगे वैसे ही आपको वाइट सिग्नल यहाँ पर देने लगेगा, ठीक है, वाइट सिग्नल देने लगेगा। तो आप समझ लेना कि मेरा बैटरी में मतलब जो वाटर लेवल जो कम था वो सही हो चुका है, ठीक है। तो गाइज आपको करना कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है यार, आप लोग भी कर सकते हो। और मैं सबसे पहले बता दूं कि ये सिर्फ नए ऑपरेटर लोगों के लिए है, जिसको नहीं है पता, और जिसको पता है वो भाई वीडियो नहीं भी देखेगा तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे है ये जो रेड जो है, रेड लाइट का जो संकेत यहाँ से देगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आप समझ लेना कि मेरा बैटरी जो मशीन का जो बैटरी है इसका पानी लेवल जो है, वाटर लेवल जो होता है वो कम हो चुका है। और वाटर जैसे ही आपको रेड लाइट सिग्नल देता रहेगा, और आपका मैं बता दूँ रेड लाइट सिग्नल देता रहेगा और उसी पे आप मशीन को चालू करते रहोगे, तो आपका क्या होगा, जो बैटरी का जो प्लेट जो होता है, ये पानी है इसमें, नहीं तो अंदर का भी प्लेट दिखाई दे देता है, तो आपका जो प्लेट जो होता है बैटरी का वो बैठ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपका बैटरी चेंज करना पड़ जाएगा, प्लेट का भी काम करवा सकते हो, ऐसी बात नहीं है।
और गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को इसलिए जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हो गाइज, जैसे ये रेड ऐसे लाइट देने लगेगा इसमें सिग्नल, तो आप समझ लेना कि बैटरी का जो वाटर लेवल जो है वो कम हो गया है या पूरा ही ख़त्म है। तो आपको इसमें वाटर डालना है सब में, और वाटर लेवल में बता देता हूँ आप, 1250 का जो वाटर जो आता है एसिड जाता है 1250 का, वो आप इसमें डाल सकते हो। आपको 5 लीटर तक लग जाएगा इसमें, अगर पूरा अगर पानी जो वाटर जो होता है पूरा जो ख़त्म हो जाएगा तो आपको इसमें 5 लीटर तक इसमें लग जाएगा। और जैसे ही आप सब में अगर जितने भी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और 6 ही होता है प्रत्येक बैटरी में, जैसे ही आप इसमें पानी डाल दोगे तो आपको यहाँ पे वाइट कलर का जो लाइट यहाँ पे सिग्नल शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें चाबी मारोगे, उसके बाद आप जितना मशीन ऑपरेट करोगे आपका बैटरी जो ऐसे ही चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ओके लिखा हुआ है और यहाँ पे हरा सिग्नल दे रहा है, यानी ये बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है। तो गाइज आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ गाइज। यहाँ पे जो इंडिकेट जो करेगा रेड लाइट का इंडिकेट करेगा, तो इसमें आप पानी का जो वाटर लेवल जो होता है उसे आपको चेक कर लेना है। अगर वाटर लेवल अगर कम रहेगा तो उसमें आपको वाटर डाल देना है, जैसे ही वाटर डाल दोगे आपका यहाँ पे वाइट कलर का इसमें ये जो सिग्नल जो दे रहा है हरा का, इसमें वाइट कलर का सिग्नल शो करेगा, तो आप समझ लेना कि मेरे बैटरी में पानी ख़त्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही चाबी मारोगे आप काम करोगे आपका मशीन का यहाँ पे हरा जो सिग्नल हो जाएगा, तो आप समझ लेना कि आपका बैटरी फुल चार्ज हो चुका है, यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, ठीक है। एंड उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो गाइज मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका बैटरी का जो सिग्नल लाइट जो होता है उसमें सिग्नल लाइट में अगर रेड लाइट अगर संकेत करता है, रेड लाइट अगर शो करता है, तो आपको उसमें वाटर लेवल कम का संकेत देता है वो, और सिग्नल देता है वाटर लेवल अगर कम हो जाता है बैटरी में तो आपका वहाँ पे रेड लाइट हो शो करेगा, तो उसमें पानी डाल देना है। जैसे ही आप पानी डालोगे आपका वाइट कलर का उसमें सिग्नल जलने लगेगा, उसके बाद आप मशीन को स्टार्ट करके थोड़ा देर वर्क काम करोगे तो आपका बैटरी जो है फुल चार्ज हो जाएगा, वहाँ पे हरा सिग्नल शो करेगा। तो गाइज ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड गुड बाय।